ये बीच वाली लेयर बनाएंगे, बीच वाली लेयर्स के ये एजेस बनाएंगे, ठीक है, जिसमें दो कलर हैं। इसका सीधा सीधा तरीका क्या है, यहाँ पे हम दो कलर जो है देखेंगे कौन कौन से आएंगे। यहाँ ऑरेंज है तो यहाँ ऑरेंज आना है, यहाँ ग्रीन है तो यहाँ ग्रीन आना है, ठीक है। अब हम ये वाला जो कलर है ऑरेंज और ग्रीन का, हम सबसे डाउन वाली लेयर में देखेंगे कहाँ है। डाउन वाली लेयर में हम येल्लो वाले पीस छोड़ देंगे जहाँ जहाँ येल्लो आ रहा है, और उसे हम ले आएंगे। अब देखते हैं डाउन वाले में, एक हमें येलो वाले कलर छोड़ के बाकी दो कलर के जो पीस मिलेंगे बीच में उन्हें देखना है। यहाँ ये कलर मिला हमें ऑरेंज और ब्लू, ऑरेंज ब्लू है तो हम इसे 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 मिलाएंगे इस लेयर में, जहाँ इसकी प्लेसिंग होगी। इसकी प्लेसिंग कहाँ होगी, ऑरेंज ब्लू वाली जो पीस है उसकी प्लेसिंग यहाँ होगी, ब्लू ब्लू से मिलेगा, ऑरेंज ऑरेंज से मिलेगा। तो इसका तरीका क्या है, जो ये ऑरेंज ब्लू है इसमें जोन सा कलर ये ऊपर है उस कलर को इस बीच वाले कलर से मिला दो। यहाँ ब्लू ऊपर था तो हमने ब्लू वाले से मिला दिया। अब हमें देखना है ये पीस कहाँ लगना है, इसमें ऑरेंज है तो ये हमारे राइट साइड लगना है। तो इसका सीधा तरीका है, अगर ये राइट साइड लगना है तो हम इसे लेफ्ट साइड घुमाएंगे, नीचे वाले लेयर को। ऊपर की दोनों ही घुमानी, ऊपर की दो ऐसे पकड़ के रखनी है, नीचे वाली इधर घुमाई, जो राइट साइड वाली लेयर थी इसे यूँ डाउन करी, इस वाली को वापिस इधर करा और इसे ऊपर कर दिया, ठीक है। अब करने के बाद अब वही कंडीशन आ गई जब हम यहाँ पे व्हाइट वाला पार्ट लेके आते हैं, ये यहाँ पे है। इसे करना क्या है हमें, यहाँ पे सॉरी, इसे यहाँ डाउन करना है, ऐसे इससे मिलाना है, ये ऊपर करना है। हम यहाँ पे एक स्टेप देखेंगे, जब हमने ये वाली चीज अगर हमने पहले वाले की तरह कर दिया तो ये पार्ट हमारा मिल नहीं पाया, तो इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है एल्गोरिथम के अंदर, जो है वो ये है। जब ये ब्लू है, ब्लू ब्लू से मिलाया, ऑरेंज यहाँ लेके आना है, इसे लेफ्ट साइड घुमाएंगे, इसे डाउन करेंगे, इसे इधर करा, इसे इधर। अब हम अपने क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे, हल्का सा रोटेट कर लेंगे, ये इधर करा, ये डाउन किया, अब उल्टे हाथ से इसे इस पे मिलाया और ये ऊपर, आप देखेंगे ये क्यूब मिल गया है। तो इसमें मैंने आपको वो गलती भी बता दी जो हम आमतौर पर करते हैं, जबकि वो पहली स्टेट वाला हम इसे क्यूब को घुमाते नहीं है और उसी जगह पे कर देते हैं, तो हमारा ऊपर का पीस मिल जाता है, ये वाला पीस नहीं बनता, जो सब नॉर्मली गलती करते हैं। इसलिए ये चीज ध्यान रखने वाली है जो मैंने आपको बताई। अब देखते हैं नीचे दूसरा जो नॉन ग्रीन पीस है, अब ये वाला आ गया ब्लू और रेड। अब ये ब्लू ब्लू से ऑलरेडी मिला हुआ है, रेड यहाँ, तो ये वाला पीस हमें यहाँ चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये इधर चाहिए, तो हम इसे नीचे वाले को उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, इसे इधर घुमाया और सेम ट्रिक अपनानी है, इसे इधर की साइड दूसरी साइड डाउन करी, इसे इधर करा, ये ऊपर, क्यूब को घुमाया, इसे इधर करा, ये नीचे, और इसे इसके साथ मिलाया, ये ऊपर, आप देख सकते हैं ये भी जुड़ गया। अब हम देखेंगे ये हमारे सारे बन गए, एक ये बचा, अगला पीस ढूंढेंगे, ये रहा ऑरेंज ग्रीन। अब ये ऑरेंज है ग्रीन है और यहाँ ये पीस यहाँ आना है, मगर ये इस कलर से मिल नहीं रहा। तो दोस्तों ये हमने ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन से मिलाया, अब हमें ये वाला पीस इधर लेके आना है, इधर लेके आना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर करा, ये डाउन, ये डाउन, ये ऊपर, क्यूब को इधर रोटेट किया, ये इधर आया, ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये हमारी दोनों लेयर कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है, रेड रेड हो गए हैं, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू ब्लू, वाइट ऊपर, दो हो गया। अब हम क्यूब को अपना रोटेट कर लें, अब हमारी खाली एक ये वाली लेयर बची, ठीक है, आप देख सकते हैं इसे लेयर को छोड़ के बाकी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।